भारत के वैज्ञानिक फिर करेंगे बड़ा चमत्कार। इस बार चांद पर नहीं सूरज पर दिखेगा भारत के अगले मिशन का अवतार। हम बताएंगे आपको आने वाले समय में कैसे फिर आने वाला है ऐतिहासिक क्षण। आखिर क्यों पूरी दुनिया देख रही इसरो के वैज्ञानिकों का हर पल। आप भी बनना चाहते हैं इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह तो अभी करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन। खबर में जान लीजिए पूरी प्रक्रिया। जिस चंद्रयान 3 ने पूरे विश्व को हैरान कर रखा था, अब भारत के वैज्ञानिक कुछ उससे भी बड़ा करने जा रहे हैं और दुनिया के तमाम विकसित देशों को पीछे कर अपने विज्ञान का कीर्तिमान पूरे विश्व को दिखाने जा रहे हैं। जो काम आज तक पूरा विश्व नहीं कर पाया, वो काम भारत के महान वैज्ञानिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में इसरो सूर्य मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। ये मिशन क्या है और कैसे लॉन्च किया जाएगा और इसरो का ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम आपको क्रमवार बताएंगे। तो खबर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और वीडियो अपने सभी मिलने वालों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि भारत के ये गौरव भरे क्षण को हर कोई जान पाए। दरअसल सूर्य को अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित भारत के पूर्व मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किए जाने की बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के तरफ से कही जा रही है। इसको लेकर इसरो ने बताया है कि मिशन को श्री हरिकोटा से भारतीय समय अनुसार सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने इस मिशन के लॉन्च को देखने के लिए जनता को भी आमंत्रित किया है, ताकि वो भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन सके। ये इसरो का अगला मिशन श्री हरिकोटा स्थित लॉन्च व्यू गैलरी से देखा जाएगा। इसके लिए लोगों को वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके बाद ही वो यहाँ उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन सकते हैं। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट का लिंक भी उपलब्ध कराया, ताकि लोग सरलता से रजिस्ट्रेशन करा सके। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आदित्य L1 का असल उद्देश्य आखिरकार क्या है। दरअसल इस अंतरिक्ष यान को सूर्य की बाहरी परतों का ऑब्जर्वेशन और सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर सौर्य वायु की यथास्थिति जानने के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ये सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर से कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा, जो विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। आदित्य L1 अपने साथ पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड से फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और साथ ही सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अवलोकन करने में मदद करेगा। इसको लेकर इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी है। तो वहीं इस मिशन को लेकर इसरो का कहना है कि अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु की L1 हेलो कक्षा के पास स्थापित करने की योजना है। L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित उपग्रह से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकेगा। वैसे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा जो लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं और जिसकी धाक पूरे विश्व में जम रही है, उसको लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आने वाले समय में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़कर वैज्ञानिक की दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।